देश का राजनीतिक माहौल मौजूदा वक्त में चेहरे पर ज्यादा चमक रहा है। जो नेता जनता के बीच ज्यादा लोकप्रिय है उसकी पार्टी की बल्ले बल्ले है, लेकिन कांग्रेस आज भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। बीजेपी एक तरफ मोदी के दम पर खड़ी है और अमित शाह गृह मंत्री बनने के बाद भी अध्यक्ष पद पर काबिज हैं, तो दूसरी तरफ वो कांग्रेस है जहां राहुल गांधी अध्यक्ष पद से भागे भागे फिर रहे हैं। कांग्रेस में जितने भी बड़े पद हैं, वहां कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं जिसकी जनता में अच्छी पहचान हो। या तो वो नेता अपने इलाके तक सीमित है या गांधी परिवार की चापलूसी तक। 16वीं लोकसभा में जब संसद में नेता चुनने की बारी आई तो कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चुन लिया, और इस बार जब संसदीय दल का नेता चुनने की बारी आई तो अधीर रंजन चौधरी को ये जिम्मेदारी दे दी गई। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अधीर रंजन चौधरी को सोनिया की रहनुमाई पर यह पद मिला। अब कई सरकारी कमेटियों और महत्वपूर्ण चयन समितियों में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये बात भी सच है कि अधीर रंजन चौधरी जो झारू नेता हैं, मोदी लहर के बावजूद 5वीं बार पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सांसद चुने गए, 1999 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन ये बात सिर्फ बहरामपुर सीट तक ही सीमित है कि वो अच्छे नेता हैं। देश में उनकी कोई खासी पहचान नहीं, ना तो उनका कोई चेहरा आम आदमी पहचानता है, ना उनकी लोकप्रियता कोई खास है। ऐसे में कांग्रेस ने फिर से वही काम किया जिसका उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।